विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही उम्मीदवारों के नाम पर संशय बरकरार रखे हुए, कोई भी पार्टी अपना पत्ता खोलना नहीं चाह रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन पार्टी ने उम्मीदवारों का अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ दिया। उसी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर दिल्ली रवाना हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के चुनाव के बाद ही पार्टी संसद दल की बैठक में 81 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, जो 8 और 9 नवंबर तक ऐलान करने की बात की जा रही है। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने राज्य की सभी 81 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची बना ली है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ में पार्टी के वरीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें प्रत्याशियों की सूची पर भी चर्चा होगी। 9 नवंबर को भाजपा पहली सूची जारी कर सकती है। हालांकि इसके बावजूद पार्टी का कहना है कि आजसू से गठबंधन जरूर होगा। इस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, अब ये दिल्ली में तय होगा। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी जो दलों में गठबंधन केंद्रीय स्तर पर हुआ था, भाजपा ने अपने सभी सांसदों और बड़े पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ इस बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि आजसू पार्टी ने भाजपा को 26 सीटों की सूची सौंपी है। सबरंग समाचार के लिए रांची से तरुण कुमार की रिपोर्ट।